जय माता दी। कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं 24 नवंबर 2018 12 राशियों के हाल के बारे में। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपको वो सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको अन्य चैनल पर प्राप्त नहीं होगी, तो कृपया पूरा चैनल देखिए, पूरा वीडियो देखिए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपको जानकारी पसंद आए। तो शुरू करने से पहले मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का दिन शुभ, मंगलमय और अच्छा बीते। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए आज हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। खुद पर नियंत्रण रखें, गुप्त विद्याओं का आज आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम जीवन की आज जरूरत महसूस होगी। नकारात्मक बात करें तो आक्रामक रवैये के कारण आपके काम बिगड़ जाएंगे। मन की बातें कहने में थोड़ी परेशानी महसूस करेंगी। अजनबी लोगों से आज दूरी बना कर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी सोच विचार में आज आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है। उपाय क्या करें, किसी मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को भगवान का प्रसाद खिलाएं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरे प्यारे मित्रों, अब बात कर लेते हैं हम लोग वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लोगों के लिए आज आपको फिर से कुछ नया सोचने का चाहिए। परिवार पर ध्यान दें, संतान के साथ समय बिताने की खुशी मिलेगी। आज आप थोड़ा आराम कर लें तो अच्छा रहेगा। नेगेटिव बात करें तो पैसा बढ़ाने के लिए शॉर्टकट का उपयोग ना करें। किसी व्यक्ति से मतभेद भी होने के योग बन रहे हैं। कई मामले ऐसे हैं जिनके आप राय नहीं मानेंगे। आज आप थोड़ा उदास भी रह सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो चोट लगने की संभावना है, सिर दर्द भी हो सकता है। तनाव दूर करने के लिए योग या प्राणायाम करें। उपाय क्या करें, हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं, आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज नए लोगों से जुड़ने का समय है। किस्मत का साथ भी आज आपको मिलेगा। किसी कार्यकुशलता में आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, नया काम भी शुरू कर सकते हैं। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। नेगेटिव बात करें तो फालतू कामों या फालतू बातों में समय खराब करने के पूरे योग बन रहे हैं। सुस्ती और आलस्य आज आपको महसूस होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके हेल्थ की। तो मानसिक थकान और तनाव भी हो सकता है। अब बात करें क्या उपाय करें, तो गाय को खीर पूरी खिलाएं, आपके लिए अच्छा होगा। लव की बात करें तो गुस्से वाला पार्टनर आज आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो शुरू करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। आज मेहनत ज़्यादा करने के योग तो अवश्य बन रहे हैं, पर आपको फायदा भी होगा। ऑफिस या फील्ड में कोई नई योजनाएं आपके सामने आती हुई दिखाई देंगी। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलने की पूरी संभावना आज बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं निगेटिव की। तो भाग दौड़ ज़्यादा होगी, कुछ कामों में मन नहीं लगेगा। कोई गंभीर बात या विचार आपके मन में चल रहा है तो इसके कारण आपको थोड़ी सी टेंशन भी हो सकती है। सेहत की बात करें तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पुराने रोग खत्म होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या करें, सौंफ गला कर खाएं। आपकी लव की बात करें तो जिन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है उन्हें लेकर विवाद ना करें। जीवन साथी या लव पार्टनर से संबंध ठीक हो जाएंगे। दूरियां भी जल्द खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब अगर बात करें आपकी नौकरी की, तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा। दोस्तों की मदद से आज धन कमाएंगे। साथ ही साथ बिजनेसमैन के लिए भी दिन अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो प्यारे मित्रों, आज आपका दिन बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अचानक धन लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। संतान का सुख, आर्थिक मामलों में दिन अच्छा। अब बात करते हैं निगेटिव की। तो गुस्से पर नियंत्रण रखिए। कुछ खास मामलों में आप दोस्तों पर भरोसा ना करें, उनकी मदद नहीं मिल पाएगी। पैसों के मामले में उलझन की स्थिति आज कम हो सकती है। क्या करें, एक दो घूंट गंगा जल अवश्य पी लें। हेल्थ की बात करें तो एसिडिटी
या बदन दर्द होने की संभावना है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज कामकाज में तारीफ हो सकती है। आपके मन में कामकाज के प्रति बहुत लगाव रहेगा। दिन में थोड़ा सा दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। नेगेटिव बात करें तो दुश्मन से सावधान रहें। आसपास या साथ के लोगों के रुखा व्यवहार ना करें। आपको दिए गए कुछ अधूरे काम आज आप पूरा कर सकते हैं। क्या करें, सूर्य को प्रणाम करें। लव की बात करें तो लव लाइफ के मामलों में के लिए दिन आज अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के मन की बात आज शेयर कर सकते हैं। अपोजिट जेंडर से आकर्षण बढ़ेगा। सेहत को लेकर सावधान रहें, चोट लगने की संभावना यहाँ दिखाई देती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए घर और ऑफिस से सहयोग मिल सकता है। ग्रह गोचर कुंडली में रोजमर्रा के भाव में जो भी समस्याएं थी वो पार्टनर आपको ऐसी सलाह देंगे जिससे आपका फायदा होने का पूरा योग दिखाई दे रहा है। आपका पूरा ध्यान जरूरी कामों पर रहेगा। कई तरह की जिम्मेदारी वाले काम आपके सामने हो सकते हैं। अचानक कोई खास आपके दिमाग में विचार आ सकता है। नेगेटिव बात करें तो कोई काम या नई योजना सोच समझ कर करें। क्या करें, छोटी कन्याओं को पान खिलाएं। हेल्थ की बात करें तो थकान और आलस से रह सकता है। अब हम लोग बात करेंगे अगली राशि जो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन ध्यान रखना होगा आज अपने परिवार वालों का, पैसे से जुड़े मामलों का और सजावटी सामान या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को खरीदने का आज मन कर सकता है। आप पुरानी बातों को सुलझाकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बात करते हैं खराब बात। तो खराब बात यह है कि आज आपको थकान हो सकती है, जोश में कमी आ सकती है। विवाद से बचना चाहिए। क्या करें, नाभि पर फूलों की खुशबू वाला इत्र लगाएं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बिगड़ सकती है, नींद की कमी हो सकती है। अब बात करेंगे हम लोग अगली राशि धनु की। तो धनु राशि के जातकों के लिए आज सकारात्मक शांति और संतुलन बनाए रखने की पूरा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार में धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी नई योजनाओं को अचानक फ़ायदा हो सकता है। निगेटिव बात करें तो दूसरों के कहे सुने पर के कारण आप में एक दुर्विचार आ सकता है। रिश्ते से संबंध किसी भी मामले पर आज थोड़ा आक्रामक हो सकते हैं। क्या करें, गुलकंद खाएं। लव की बात करें तो पार्टनर आपकी भावनाओं का मजाक बना सकता है। और हेल्थ की बात करें तो दोस्तों हाथ पैर में दर्द हो सकता है। सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात करेंगे अगली राशि मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन दिमाग तेज चलेगा। दूसरों के काम के साथ आप अपना मतलब पूरा करवा सकते हैं। ऑफिस में कामकाज बढ़ जाएगा, आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। आप आज कुछ लोगों से मदद करेंगे। निगेटिव बात करें तो आज आप बहुत सारी चीज़ें दुर्भावना के भाव से भी कर सकते हैं। क्या करें, भगवान राम या विष्णु जी के मंदिर में कुछ चंदन चढ़ाएं। अब बात करते हैं आपके सेहत की। तो घुटनों और जोड़ों के दर्द में आज राहत आपको मिल सकती है। अब हम लोग बात करेंगे अगली राशि कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए नए विचार, नए तरीके, नए काम करने का समय है। आप अपनी बात इतनी कलात्मक ढंग से रखेंगे कि सुनने वाला लोग आपकी हर बात से सहमत हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव। तो पैसे के मामले का आपको टेंशन बढ़ा सकती है। पुराने विवाद या आपके आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। कोई अच्छा प्लान भी आज आपको अचानक बदलना पड़ सकता है। उपाय, घर या ऑफिस में पश्चिम दिशा में तेल का दीपक जलाएं। यह आपके लिए उपाय उत्तम रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए आज धन भाव में चंद्रमा होने की वजह से पैसे के कुछ मामलों में किस्मत उनका साथ देगी। किस्मत के भरोसे रुके हुए सभी काम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खराब बात यह है कि कुछ मामलों में स्वार्थी होने के कारण आपको रिश्ते बिगड़ सकते हैं और आज आपको गुस्सा भी आ सकता है। क्या करें, हनुमान जी को फल चढ़ाएं। हेल्थ की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को आज राहत थोड़ी वगैरह मिल सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और लगता है कि आपका कुछ इसमें मतलब स्वार्थ हुआ हो तो आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।